फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मैसेज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप दिन में खुशबू देने वाले दिन के राजा प्लांट के बारे में एक वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल आज का वीडियो हमारा दिन के राजा और बहुत ही खुशबूदार फूलों वाले पौधे दिन के राजा प्लांट की केयर के ऊपर है, कैसे आप दिन के राजा प्लांट पर ढेरों फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो बोटैनिकल नेम है वो जान लेते हैं। इसका जो बोटैनिकल नेम है वो है सेस्ट्रम डायर्नम। सेस्ट्रम डायर्नम इसका बोटैनिकल नेम है और हिंदी में इसे दिन का राजा बोलते हैं, इसे डे जैस्मिन भी बोलते हैं। और ये प्लांट वेस्ट इंडीज़ का नेटिव प्लांट है, मीन्स गर्म इलाके का पौधा है ये। और ये एक पेरिनियल श्रब होता है, मतलब एक बार आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर लेते हो तो ये आपके साथ सालों साल बना रहता है। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है ये। तो जब भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसके लिए कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट सेलेक्ट करें। अगर आप इसे टेरेस गार्डनिंग जैसे मैं करती हूँ वहाँ पर लगा रहे हो, तो अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो आप ज़रूर इसे बड़े साइज़ का ही पॉट दें, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसकी सॉइल की बात करें तो इसे सैंडी वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, तो जब भी आप इसकी सॉइल बनाएं कम से कम 40% इसमें सैंड मिलाएं और रिमेनिंग 60% में कॉम्पोस्ट और सॉइल, और साथ ही साथ स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बोन मील, नीम की खली बिल्कुल भी ऐड करना ना भूलें, और साथ ही साथ फंजीसाइड, कोई भी अच्छा क्वालिटी का सिस्टमैटिक फंजीसाइड। तो ये तो बात हो गई इसकी सॉइल की। अब आ जाते हैं कि इसे किस लोकेशन में हमें रखना है ताकि हम इस पौधे से ज़्यादा फूल ले सकें। इस पौधे को फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है, तो जब भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हो तो ऐसी लोकेशन पर ही इसे प्लेस करें जहाँ इसे 5 से 6 घंटे की कम से कम अच्छी वाली धूप मिल सके, तो ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और आप फोलियज तो देख ही सकते हो कि फुल सनलाइट में इसका कितना बढ़िया फोलियज हो रहा है, और फ्लावरिंग देख सकते हो आप कितनी अच्छी आई हुई, जबकि ये मेरा प्लांट बहुत छोटा सा है और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया है। और इस प्लांट की वाटरिंग की बात करें तो इसे हल्की सी मॉइस्चर वाली सॉइल पसंद होती है, सॉगी नहीं होनी चाहिए लेकिन मॉइस्चर हमेशा सॉइल में रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई साइड पे नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी इसमें पानी आपको सूखा सा लगने लगे उससे पहले पूरे तरीके से सूख जाए आप इसमें वाटरिंग कर दें, क्योंकि ये फुल सनलाइट में ग्रो होता है तो इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। और अगर इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड, तो इस प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट होता है, तो आप कोई भी जैसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिक्विड जो सभी प्लांट्स में देते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी ब्लूमर प्लांट भी होता है तो इसे अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। तो आप महीने में एक बार इसे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट्स वाला जो फर्टिलाइज़र बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आप ऑर्गेनिक इसे जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और इस प्लांट की अगर पेस्ट अटैक की बात करें तो इस प्लांट में ज़्यादा पेस्ट का अटैक देखने में नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभी विंटर सीजन में एफिड जैसे सभी प्लांट में लगने लगते हैं तो कभी कभी एफिड का अटैक हो सकता है, तो आप उस केस में इसमें नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे कर सकते हैं। और इस प्लांट की अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसे बहुत ही आसानी से आप स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में इसकी स्टेम में फुटाव आने लगता है, तो आप सेमी हार्डवुड कटिंग इसकी ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है, जैसे रात की रानी की लग जाती है बिल्कुल उसी तरीके से दिन के राजा प्लांट की भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो जो भी फुटाव वाली ब्रांच आपको दिखे बारिश के मौसम में आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं हो तो जैसे आप ये इस ब्रांच में भी देख सकते हो कितना सारा फुटाव आ रहा है, तो आप कोई भी इस तरीके की ब्रांच लेके और उसे भी आराम से ग्रो कर सकते हो। और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, क्योंकि बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड सभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इससे, और पॉलिनेटर्स हर गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि इसमें दिन में जो है खुशबू आनी स्टार्ट होती है,
तो इसीलिए इसे दिन का राजा बोलते हैं। जैसे जो रात की रानी होती है वो रात में उसमें खुशबू आती, बट इस प्लांट में दिन में खुशबू आती, तो इसलिए पॉलिनेटर्स को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।